Yo, 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 what's up? What's up, people? Welcome to the vlog, everyone. Welcome to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely well. आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद द न्यू व्लॉग. और आज हम जा रहे हैं घर, क्योंकि गणपति बप्पा का विसर्जन है. इससे पहले पूजा थी, लेकिन पूजा का व्लॉग आई गेस मूफ ने बनाया है, तो मूफ के चैनल पे देखना, पूजा का व्लॉग आएगा बहुत जल्दी. बट बूट कैंप पे पूजा थी, घर पे नहीं. तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणपति बप्पा के विसर्जन में. और आज है 19 फरवरी, मतलब हमारे बाप श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती, तो वो भी होगी हमारे यहाँ पे साजरी. तो चलो आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं, और जुड़े रहिए, लेट्स गो. कोपर कर रहे, पहुंचते हैं बेबी गर्ल, थोड़ा सिनेमैटिक आ जाए. आज संडे और ट्रैफिक इतनी है ना भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये जब ऊपर का हाईवे लगूंगा ना, अभी मैं एक हाईवे पे लगने वाला हूँ जेएनपीटी के, वो हाईवे नहीं होता ना दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला हाईवे, ये जाता है पनवेल में अंदर ये साइड वाला, और ये जाता है जेएनपीटी वाला, उरन जाता है. लेकिन उरन से पहले राइट मार के क्या बोलते हैं, बेलापुर जाने के लिए रोड है, तो वहाँ से अपन जाते हैं हर पर. तो यस, हम लोग अभी आ गए दोस्तों यहाँ पे उलवे के रोड पे, और अब हम निकल रहे हैं सीधे अपने क्या बोलते हैं बेलापुर. और बेलापुर से हम हमारा फेवरेट जो रोड है, मेरा माइक लटक रहा है क्या? नहीं ना, आई होप कि मेरा माइक से आवाज़ आ रही रहेगी ढंग से. हम जा रहे हैं अभी बेलापुर, वहाँ से अपना फेवरेट रोड पाम बीच, पर फिर घर पहुँचेंगे. मेरे को लगता नहीं कि नॉर्मली पहुँचेंगे, ट्रैफिक तो रहेगी, क्योंकि वाशी में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेके कोपर करने तक थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो होने वाली है. बट हम लोग वहाँ से जाए नहीं जाए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि पहले गणपति बप्पा का विसर्जन है, उसके बाद हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के सोहरे में जाएंगे. चलो अभी यहाँ पे पहुँचते हैं. अरे बाबा, ये देखो सुपरमैन हाथ दिखाते दिखाते गया था, कोई डेढ़ शाना रहेगा जाएगा ना लेके भाई गाड़ी के साथ. हम आ गए हमारे फेवरेट रोड पाम बीच पे, लेट्स गो. बाबा यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे स्लो ही चलाना है. दो हजार बाईस से लेके 2024 तक ये रोड पे बहुत मचा है. तीसरा साल हो जाएगा चालू अपने गाड़ी को, वैसे देखा जाए तो अभी ये वाले बारिश में तीसरा मजा आने वाला है. लेट्स गो. मजा आता है भाई ये रोड पे गाड़ी चलाने को, मजा आता है, रोड बहुत प्यारा है. अरे यार वापस सिग्नल, यार सिग्नल, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्यास लगी है. सुबह से मैंने कद्दू कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया. चलो आगे घर पे पहुँचूंगा ना, तब खाऊंगा. और मैं ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं है चैट, जनरली भूख लगी है बहुत, और एनर्जी ज़ीरो है अभी फिलहाल. घर पे पहुँचता हूँ, थोड़ा सा खाऊंगा, फिर एनर्जी आएगी, और फटक से निकलने के अपने को क्या बोलते हैं गणपति विसर्जन के लिए. तो आगे ही मिलते हैं अभी. झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चैट है, अपने चैट बोल रहा हूँ, शिट, ये जो कंपनी है ना, कंपनी एयरटेल की, अबे इसके भाई मैंने रिचार्ज कल मारा है, फिर भी आज कॉल कर रहे रिचार्ज मारो करके. भाई दिमाग का दही खराब कर दिया भाई, दिमाग का दही हो गया भाई, जेन्युइन इरिटेट हो रहा हूँ यार, इरिटेट हो रहा हूँ ये एयरटेल वालों से. अबे किया ना रिचार्ज, इतना समझना चाहिए ना तुम्हारे सिस्टम में, अपडेट तो होता रहेगा, फिर भी इच्छा गया दही फालतू में.
चलो जाने दो। और ये भिकमंगा जो बलकलावा है ना, ये मुंह में और जा रहा है मेरे दिमाग। नाइन 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 नाइन, क्या नंबर है। वाह वाह वाह, हमारा भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। चलो आज गाड़ी मैंने ये साइड से इसलिए डाली है चैट, क्योंकि तुमको एक चीज दिखानी है, और आई होप कि ओ हो है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। वो देखो सामने देख रहे हो, पास जाने के बाद दिखेगा क्योंकि ये अपना थोड़ा विजन हाइपर व्यू है। सामने देखो जबरदस्त, सामने उत्सव, तो क्या बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दे फोटो निकालने में व्यस्त है, अपन आएंगे थोड़ी देर बाद इधर, थोड़ी देर बाद पहले घर पे जाते हैं, खाते पीते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाप रे, डेंजर विषय। हाय सदौले, ऊपर करने बेबी गर्ल। जबरदस्त किया रे, घर तक पहुंच जाओ बस, बाकी कुछ नहीं। दोस्त के घर पे भी जाने का है। अच्छा गार्डन में कार्यक्रम है, चलो मैं घर पहुंचता हूँ दोस्तों, ठीक है घर पहुंचता हूँ, फिर करते हैं बात, ओके चलो बाय बाय बेबी बेबी। विसर्जना मला पुन्हा एकदा सजवण्यात आलेलं आहे विसर्जनासाठी रेडी। दोस्तों अभी क्या सीन है मालूम है क्या, हमारा बाप्पा उधर आगे जा रहे हैं और यहाँ पे वाणी खड़ा है, और हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस साइड से शिव जयंती की रैली निकली है, और हम लोग इधर खड़े डीजे देखने के लिए क्योंकि डीजे ऑलरेडी बैन है, लेकिन हम लोग को देखने का चूल है, तो हम लोग इधर रुके क्योंकि हम लोग को डीजे देखते हैं मैं हम लोग आप लोग को भी निकल। पुढच्या वर्ष कैसा लगा? मजा। तो रात के बजे 12,
और अभी हम लोग इधर खाना खा रहे थे, मैं और मेरी भांजी गैंग। तो अभी खाना खा के हो गया, इसको मेरे वीडियो में आना ही था क्योंकि वो हर बार मेरी वीडियो देखता रहता है, बराबर है ना? कौन थी? गणपति ची। अजून सगळ्या तो सब वीडियोस तो देखता है, ठीक है। और ये सब मेरे भांजे, मतलब कॉलोनी में, उनको वीडियो में आना ही था तो अभी वीडियो में लिया है। और ये व्लॉग में जाना चाहिए क्योंकि आलोक और साई आणि दादू बस आले वीडियो में जाता। तो अभी शूट ये कर रहा है मेरा दोस्त काटकर, और हम लोग अभी हमारा विसर्जन हुआ है। अभी हम लोग खाना पीना खा के मस्त बापा का वो एक लाश की आरती रहती है वो करके पाठ की पूजा करके अभी यहाँ से निकले, और अभी दूसरे बापा यहाँ पे मतलब विसर्जन हो रहे तो हम लोग उनके पीछे जा रहे क्योंकि ये बापा बहुत बड़े, वो देखने जा रहे कि कैसा विसर्जन करते, देखते कैसी है कैसे मूर्ति। तो रास बड़ी है, उनको लाइट की वजह से दिखती नहीं रहेगी, ऊपर लड़के देखो कितने खड़े, उसके उससे अंदाजा लगाओ। और ये आ गए बापा जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, और हमारे दोस्तों कोई आए नहीं, हम लोग ही आए। मेरे को लगता है मेरे को सर्दी होने वाली है, ठीक है। हैलोजन इस साइड क्यों किया है भाई, बापा नहीं दिख रहे यार वो, और को ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस कम करने के बाद पापा दिख रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। ये दूसरा दिन, एक्चुअली गुड आफ्टरनून क्योंकि 12 बजे के बाद ही व्लॉग आएगा ऑब्वियसली, और अभी 12 बज के गए हैं, 1 बजने को आए कुछ तो भी लगभग। और मैं वापस बुटकैम्प के लिए निकल रहा हूँ, यहाँ पे बापा विसर्जन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है प्रॉपर तरीके से। बहुत बुरा लग रहा है दिल को, बहुत नम सा फील हो रहा है, बट ठीक है, अगले साल आना है, इसके लिए इस साल जाना तो पड़ेगा पापा को ऑब्वियसली। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बूट कैंप के लिए, और ट्रैफिक पता नहीं 12:30 के बाद ट्रैफिक क्यों है यहाँ पर, ठीक है, मिलते हैं आगे रोड पे, मिलता हूँ पाम बीच पे जैसे टच होता वैसे। गाइस अभी सिग्नल पे खड़े, इतना बड़ा सिग्नल है ना, 2-3 या 4 मिनट का सिग्नल है, और इधर धूप में ना ये सब अपना ब्लैक है ना, तो ये धूप में इतना गर्मी होने लगता है ना, क्या बोलूं, बहुत बड़ा सिग्नल है यार, एक कुछ तो 190, 180 या 180 3 मिनट का सिग्नल है, दिमाग का दही हो जाता है भाई। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, जाके हाइड्रेट होना पड़ेगा, पहले तो पानी पीना पड़ेगा बहुत सारा, नहीं तो रात को दिक्कत हो जाएंगे भाई, समझ रहे हो, जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, मतलब उन लोग ने फील किया होगा लेकिन उसको क्या बोलते हैं मराठी, तो तला उनाड़े लागना बोलता, इंग्लिश में हिंदी में मेरे को नहीं मालूम, डिहाइड्रेशन बोलते रहेंगे। अभी घर पे जाते हैं, भूख तो नहीं है, मम्मी ने बना के रखा था बहुत सारा खाने को, तो यस जाता हूँ पहले, और घर पे मतलब बूट कैंप पे देखते क्या हाल है क्या सीन है, अगर इंटरनेट आ गया रहेगा तो स्ट्रीमिंग चालू कर देंगे, और लंबी स्ट्रीम होगी। क्या बात है, लेट्स गो, मजा आया, गई यार लास्ट, ऐसा नहीं करा, हट एयर ब्लास्ट, ये विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है यार, वो विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है, सीधा स्पीड मत दिखाना, मैं वाह, लेट्स
कटाड़ा हल्लू हल्लू चला के भाई, और मैंने समर प्लेलिस्ट लगा के रखी है तो मजा आ रहा है। गर्मी बहुत हो रही है करके भगा रहा होगा इस बाकी कुछ। मैं रिकॉर्ड नहीं करा सिग्नल छूटने के बाद, शायद करा थोड़ा सा पता नहीं, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये छोटा सा व्लॉग रखते हैं क्योंकि अभी ना लस्सी और मैं प्लान कर रहे जाने का वापस राइड पे, तो आई होप कि वो प्लान सक्सेसफुल हो जावे। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या सीन है, देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस कार। सर को कॉन्ग्रेचुलेट करा अपन ने, गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरे को ब्रेजा जेन्युइनली अच्छी लगती है, तारा ब्रेजा जबरदस्त लग रही थी गाड़ी, प्यारी गाड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर, एंजॉय द राइड। ट्रैफिक खत्म हो गया, अपन अपनी राइड एंजॉय कर। अरे नहीं, हाँ अजीवलीचा रोड है ना, आई शपथ खोटना बोलत, हाँ रोड कमी खड्डे जास्त है, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ गाइस, रोड कम खड्डे बहुत ज्यादा है भाई, इरिटेटिंग है भाई, बहुत इरिटेटिंग है। मूफ ने बस ना बूट कैंप पे ना स्पीकर लाना चाहिए यार, वो स्पीकर मैंने मांगा है, उन्होंने अगर लाया रहेगा ना दिन भर गाने चलेंगे, डचिक डचिंग डचिक डचिंग, इन लोग मेरे से इरिटेट हो जाएंगे मालूम है, यार नुस्ते गाने सुनते रहता है। बट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी की जो नस है, मतलब मेरे मतलब क्या बोलते यार, मेरे अभी भी हेडफोन्स में गाने चल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे मतलब जिंदा रहने का जो रहस्य है ना वो सॉन्ग्स है, फिलहाल सॉन्ग्स पे जिंदा हो यार, सॉन्ग्स पे मजा आ रहा है, सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट है यार, सॉन्ग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। चल ये देखो रस्ते खड्डे, रस्ते खड्डे, रस्ते तुमको दिख रहा है नहीं पता नहीं, बस स्पीड ब्रेकर देखने का कितना बड़ा है आगे का, रुको एक सेकंड रुको, मेरे को आगे जाने दो, उनको स्पीड ब्रेकर दिखा था, वो स्पीड ब्रेकर नहीं है वो रोलर कोस्टर है, ये देखो ये एक, और उधर से आते समय एक लगता है वो है शायद, वो देखो वो देख रहे हो वो एक, भाई स्पीड ब्रेकर नहीं है, रोलर कोस्टर वाला हो रहा था ना ऐसा, वैसा है। चलो कोई ना, अपन है ना पहले बूट कैंप पहुंचते हैं, क्योंकि ना गर्मी बिरमी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेट होंगे मस्त, नहाने का सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और पसीना बाहर कार बार हो गए, पहुँचता हूँ बूट कैंप। गाइस तुम लोग को अभी एक लीन दिखाता हूँ, मतलब लीन नहीं, मतलब वो रोड दिखाता हूँ प्रॉपर, छोड़ लीन बोलना ही नहीं है, मेरे पे चढ़ पानी हो जाएगा, और तुमको गाइस शी कितना रिस्ट्रिक्शन है मेरे व्लॉगिंग पे, कुछ बोल भी नहीं सकता यार, भाई हट जाना, ओ सर जी हटो ना यार, ओ जाने दो ना। चल ये रोड प्यारा प्यारा रोड, बस ट्रैफिक ना होती तो और अच्छा लगता, स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने दो। अब चलो, अब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है आसपास, जल्दी लेट्स मूव। जबरदस्त रोड, पहले हम इधर रहने के दोस्तों, इधर रहने के गाइस, बूट कैंप रिवील ये रहा हमारा बूट कैंप गाइस, जहाँ पे हम लोग रहने के पहले, बहुत लोगों को पता था लेकिन उन्होंने कभी अपना बताया नहीं, थैंक्स टू दोस, अरे बताते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो ऊपर आने नहीं देते किसी को, ये है हमारा बूट कैंप गैंग, ये वाली बिल्डिंग या इस साइड की, पूरे लेफ्ट साइड की, राइट साइड की सॉरी, पर अब हमारा बूट कैंप है यहाँ से सीधे जाके लोनावड़ा, लोनावड़ा में तो किसी को कद्दू पता नहीं चलेगा कि हम किधर रहते,
लोनावड़ा प्यारी जगह यार, पर हिल पे ना मस्त है। नुस्ती चिक्की, नुस्ती चिक्की, चिक्की खाएंगे, खाली चिक्की खाएंगे। वो तो अलग ही है भाई, वो तो अलग फन है। सर जी ने हेलमेट नहीं पहना है, फिर भी सर जी 90 के स्पीड पे है। ठीक है, क्या बोल सर जी पे स्वैगर वाला चश्मा है जबरदस्त वाला, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं भी पहले ऐसे रहने का, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलने लगी कि भाई राइड कर रहे हैं, चश्मे नहीं बोल रहा, हेलमेट होना चाहिए, बलकलावा होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, जैकेट होना चाहिए, पैंट होनी चाहिए। पैंट तो मतलब वैसी नहीं, पैंट तो पहनता ही हूँ, बट नॉर्मल पैंट नहीं, थोड़ी क्या बोलते हैं राइडिंग पैंट होने चाहिए, शूज होने चाहिए अच्छे, ताकि अगर ऐसा हो तो ना किसी के साथ, बट कोई अगर गलती से ऐसे खड़े खड़े भी गिर गया तो भी ज़रा भी स्क्रैच ना आवे, समझ रहे हो। क्योंकि मैं ये जो जैकेट पहना है मैंने अभी, इसमें मैं तो एक बार गिरा हूँ, इतना सा भी स्क्रैच भी नहीं आया था मेरे को, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। पर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या पता है कचैट, ये जो गाड़ी है ना, मेरे से दो बार गिरी है और भयंकर वाली गिरी है, ऐसा नहीं, लेकिन आज तक इसने मेरा, ये मेरी जाने मन ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे को इससे प्यार है, मेरी जान है और ज़िंदगी भर रहेगी मेरे साथ, ज़िंदगी भर प्यार है ये मेरा, प्यार, लव यू बेबी। इसका नामकरण करने का है, लेकिन अभी नहीं, है एक काम है बताता हूँ, ऐसा स्पॉइलर दे के नहीं चलेगा, एक काम होना है, इससे काम होने पे इसका नामकरण करते, ठीक है, तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, करते, चलो।